हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट टू देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि -3 टू होल पावर एक्स -1 इक्वल टू 243 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा, 4/5 टू द पावर 8 इंटू 4/5 होल पावर 7 इक्वल टू 4/5 टू द पावर 2x+1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग सबसे पहले -3 टू द पावर एक्स -1 इक्वल टू 243 को सॉल्व करेंगे। तो ये इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों के बेस को इक्वल बनाएंगे। जब हम लोग दोनों के बेस को इक्वल बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग दोनों को बेस सेम करना होगा। जैसे हमारा दोनों बेस अगर सेम है तो हम लोग पावर को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है -3 टू द पावर एक्स -1, बट यहाँ पे 243, ये इसके पावर हम लोग इसको भी इसका बेस 3 बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 टू द पावर 5, -3 टू द पावर 5 भी हम लोग लिख सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम लोग 3 टू द पावर 243 है तो यहाँ पे 243 टू द पावर हम लोग 5 लिखेंगे। अब केयर करेंगे, यहाँ पे हमारा माइनस है नहीं, चूंकि तो यहाँ पे बेस -3 एक्स टू द पावर -1 है इक्वल टू 3 टू द पावर 5। 243 का अगर हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 5। अब बेस दोनों का हमको सेम करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे माइनस मिस हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें माइनस पुट करेंगे, यहाँ -243 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -3 टू द पावर 5। अब -3 टू द पावर 5 में दोनों का बेस हो गया सेम, तो जब बेस सेम होगा तो पावर मस्ट बी सेम। इफ हियर -3 -3 आर सेम, सो इफ बेस आर सेम तो पावर भी हमारा सेम होगा। नाउ बेस इक्वल टू बेस, देन हम लोग पावर इक्वल टू पावर कम कर देंगे, पावर इक्वल टू पावर। तो बेस अगर सेम होता है, बेस इफ बेस आर सेम देन पावर मस्ट बी सेम। सो हम लोग पावर को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x -1 इक्वल टू 5। सो यहाँ पे अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अब 1 को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो जाए 5+1, सो x इक्वल टू 6। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था 4/5 टू द पावर 8 इंटू 4/5 टू द पावर 7 इक्वल टू 4/5 होल पावर 2x+1। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोगों को बेस को सेम करना होगा। बेस को सेम करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे, 4/5 टू द पावर 8 है और 4/5 टू द पावर 7। तो आप हम जानते हैं कि एक फार्मूला हमारे पास होता है एम ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर एम प्लस एन। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें 4/5 टू द सॉरी ये 5 है, तो 4/5 अब यहाँ पे बेस आपस में ऐड सॉरी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 8+7 लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पे 4/5 और पावर 2x+1 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगेन हमारा बेस सेम हो गया, तो पावर को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, देन बेस इक्वल टू सेम है
बेस इक्वल टू देन पावर 4/5 ये हो गया 15 और यहाँ पे 4/5 2x+1। अब हम लोग बेस सेम होता है तो पावर को कंपेयर करेंगे। नाउ वी विल कंपेयर पावर, सो हमें मिल जाएगा 2x+1 = 15। यहाँ पे हम लोग बेस इक्वल टू सेम है तो पावर को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे 1 हम लोग क्या कर देंगे कि 1 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें 2x = 15 - 1 मिल जाएगा। अब फिर 2x = हम लोग देखेंगे तो ये बन जाएगा 14। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे x = 14/2 such that x = हमको मिल जाएगा 2 × 2 and 2 × 7 = 14। तो ये 14 डिवाइड हो गया 2 से, अब बन गया 7। तो x की वैल्यू हमें जो मिली वो मिली है 7। तो इस तरह से कभी भी कोई क्वेश्चन अगर हमें मिले और जिनका पावर को हमको फाइंड करना है, अगर पावर में x दे दिया हो, तो हम लोग सबसे पहले बेस को सेम करेंगे। बेस सेम करने के बाद जो दोनों साइड हमारा बेस होगा वो सेम होगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो बेस हमारा होता है अगर कई फॉर्मेट में दिया, जैसे 4/5 2^8 है, 4/5 2^7 है, तो यहाँ पे अलग अलग दो बेस हैं। दैट मीन्स बेस दोनों सेम हैं लेकिन दोनों मल्टीपल में है, तो सबसे पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल बेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोनों का बेस सिंगल जब हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो बेस है 4/5 ये भी सिंगल बन गया और 4/5 ये भी सिंगल हो गया। अब दोनों के पावर को हम लोग कंपेयर किए, तो दोनों के पावर को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x+1 = 15 एंड 2x, अब हम लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, ये लीनियर इक्वेशन की तरह हो गया। तो 1 को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे तो 15 ये इधर पॉजिटिव 1 है तो इधर नेगेटिव 1 बन जाएगा। सो अभी इस नेगेटिव 1s को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2x = 14 बन जाएगा। तो इस 14 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू हमको फाइनली 7 मिलेगी। इस तरह से जब भी कोई x की वैल्यू फाइंड करना हो और x की वैल्यू पावर में हो एक्सपोनेंट में, सबसे पहले बेस हमको इक्वल करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस मिसिंग था, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले माइनस पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था इस क्वेश्चन में, तो माइनस मिसिंग होने की वजह से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर इधर बेस में -3 है तो इधर हमको बेस में इधर भी बेस में -3 लाना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग केयरफुली देखें तो 243 - 3^5, अगर आप यहाँ पे 243 का फैक्टर फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 टाइम होगा, क्योंकि 5 को अगर हम आप चेक करिए तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 and 27 × 3 = 81 and 81 × 3 = 243। तो ये मल्टीप्लाई जब हम लोग कर लेंगे ये बन जाएगा 243। अब इसमें 243 ये सब हमारे नेगेटिव रहेंगे, तो नेगेटिव में जब रहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि -3^5, तो ये बन जाएगा -243। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमारा बेस हो गया है सेम, तो बेस सेम होगा तो तभी हम लोग पावर को कंपेयर कर पाएंगे। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।